छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपनी दूसरी विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। अब बसना विधानसभा में अपना चेहरा इस बार संपत अग्रवाल को बनाया गया है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व INH 24/7 ने 64 सूची की जारी की थी, संभावित सूची की, जिस पर संपत अग्रवाल जी का भी मोहर लगा हुआ था और आज वह सत्य कथन देखने को मिल गया है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संपत अग्रवाल, जो बसना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में है। जानते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा में क्या भूमिका लेके जाएंगे, पार्टी के क्या उनके दायित्व उनको मिलने वाली है समय में, और क्या मुद्दे को लेकर वो जाएंगे। संपत अग्रवाल जी, पहले तो INH 24/7 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारे क्षेत्र में और मूलभूत समस्याएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल का समस्याएं भरी हुई हैं, क्योंकि विगत 5 वर्षों में किसी टाइप का कोई भी काम हुआ नहीं है। पहले तो इन समस्याओं का समाधान और फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो भी अभी घोषणा पत्र आएगा और इस क्षेत्र के लिए जो भी उपयोगी मांगे रहेंगी उसको इस क्षेत्र में लागू करवाने का और बहुत तत्काल प्रभाव से करके, ताकि यहाँ से की जनता से जो मैंने वादा किया है और मेरे से जो अपेक्षाएं हैं उसमें अवश्य खरा उतरूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर में जो विश्वास दिलाया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, पूरी पार्टी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी अपेक्षाओं में खरा उतर के बताऊँगा। आप हमेशा युवाओं के प्रति, युवतियों के प्रति, महिलाओं के प्रति और बुजुर्गों के प्रति हमेशा सक्रिय रहते हैं, तो आने वाले समय में अगर आप विधायक बन जाते हैं तो उन पर क्या दृष्टि रहेगी और उन पर क्या कुछ सहयोग रहेगा? विधानसभा को मैंने हमेशा से अपना परिवार माना है, वही मेरी शक्ति है और परिवार से मैं कभी अलग हुआ नहीं हूँ और आगे भी नहीं होऊंगा। उनकी हर अपेक्षाओं में मैं खरा उतरूंगा, हर सुख दुख में उनके साथ में रहूँगा। जैसे देखा गया है कि पूर्व में आप पार्टी में अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में आपको टिकट मिली है, इससे भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नाराज देखने को मिल रहे हैं, जो आपके विरोध में भी खड़े उतरे हुए थे, उनको आप पार्टी में ला कर कैसा मना कर आने वाले चुनाव में आप लेके जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ पे नाराज कोई नहीं होता है। एक ये परिवार है, परिवार में सबको अधिकार रहता है कि मुझे मिले, बाकी जब मिल गया तो जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने सबने भाइयों ने मुझे बधाई दे चुके हैं और सब हम लोग एकजुट होकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। आपके द्वारा नीलांचल सेवा समिति कभी चलाई जा रही है, जिसमें लगातार जो है लोगों की सहायता की जा रही है, अगर किसी प्रकार की क्या लगता है विधायक बनने के बाद यह समिति आगे चलती रहेगी? देखिए, वो एक NGO है, उसमें कई सरकारी कर्मचारी भी हैं, सब लोग हैं, उसको मिलकर चलाते हैं, वो चलते रहेगा। लोगों की सेवा कार्य, एम्बुलेंस सेवाएँ चलती हैं, बच्चों के निःशुल्क पढ़ाई लिखाई सब जो चलते रहता है, वो तो कई वर्षों 15 वर्षों से चल रहा है, वो चलते रहेगा। अंतिम सवाल है मेरा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर में भरोसा किया, मुझे कमल का फूल पकड़ा दिया। मैं उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरूंगा। यहाँ की जनता को, जिन्होंने पार्टी ने 8-10 सर्वे कराए, सब सर्वे में उन्होंने मेरा नाम ये किया, उसके लिए मैं यहाँ हमारे बसना विधानसभा के क्षेत्र की जनता का विशेष आभारी हूँ और उनको मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि विधायक मैं नहीं, हमारे बसना विधानसभा के पूरे जनता, पूरे मतदाता ही विधायक के रूप में रहेंगे। धन्यवाद।